हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सो आज से हम लोग कंप्यूटर साइंस का क्लास 7 का जो सिलेबस है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से एवरीडे एक एक वीडियो लेक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कंप्यूटर साइंस क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम अगर हम लोग बोलेंगे तो बेसिकली ये थोड़ा मैथ्स रिलेटेड है, क्योंकि नंबर्स होता क्या है, जो हम लोग काउंट करते हैं, ये सुनो। बट कंप्यूटर्स में भी ऐसा बहुत सारा नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर्स को जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको करने के लिए उसको मतलब हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी ऐसा बहुत सारा मतलब जो मैथमेटिकल नंबर सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे क्या, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में जो है हम लोग सीखेंगे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, दीज आर द नंबर सिस्टम्स, ओके। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर अरिथमेटिक के बारे में सीखेंगे, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जो पूरा ये जितना सारा ये टॉपिक है ये सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम, तो पहले क्या होता था, जब लोग बहुत सालों पहले जब कोई भी अगर कोई चीज को काउंट करना पड़ता है, ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज हो उसको काउंट करेंगे, तो लोग कैसे काउंट करते थे वो लोग, यहाँ पे दिया हुआ, इन अर्ली डेज व्हेन देयर वर नो मींस ऑफ काउंटिंग पीपल यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। वो लोग हाथों में काउंट करते थे, ये सुनो, अभी भी कुछ लोग करते हैं हाथों में, या तो स्टोन्स में, ठीक है, पेबल्स, उसके बाद स्टिक से। तो ऐसा बहुत सारा जरिया था जहाँ पे लोग काउंट करते थे, ये सुनो, पहले जो दिन हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, ये मतलब जब जब हम लोग यहाँ पे मतलब कोई भी स्टोन्स में अगर काउंट करेंगे, हाथों में अगर फिंगर्स में काउंट करेंगे, तो एक लिमिट में हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये सुनो। जैसे बहुत बड़ा कोई मैथमेटिकल, सपोज कोई बहुत बड़ा एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या तो बहुत बड़ा कुछ नंबर्स को काउंट करना हो, तो हम लोग हाथों में या तो स्टोन्स में काउंट नहीं कर सकते, ये सुनो। तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, ये सुनो। तो इसीलिए क्या हुआ, जब मतलब समय समय जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद समय के साथ साथ ऐसा बहुत सारा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर्स में कंप्यूटर जब टेक्नोलॉजी जब ग्रो हुआ, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ समय के साथ साथ ऐसे बहुत सारा नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे जो पहला नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद जो सेकंड नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड अ थर्ड नंबर सिस्टम इज ऑक्टेल नंबर सिस्टम, एंड अ फोर्थ नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो यूज कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी कैलकुलेशंस को यूज करते हैं, जो भी नंबर्स को हम लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में आता है। तो देख लेते हैं होता क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। The need for counting has paved the path to introduce decimal number system in which 0, 1, 2, 3 to 9 are used to form any number. Okay. So, ये जो decimal number system है, वो 0 से start होता है और उसका जो digits है वो 9 तक जाता है. मतलब 0 से लेके, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक. समझ में आया कि नहीं? 0 से लेके 9 तक यहाँ पे कितना numbers है? Number कितना है? अगर हम लोग जीरो को अगर काउंट करेंगे तो क्या होगा, जीरो, उसके बाद वन, उसके बाद टू, थ्री, फोर, ऐसे अगर काउंट करूंगा नाइन तक, तो यहाँ पे टेन नंबर्स है। नंबर्स कितना है, टेन। यहाँ पे हम लोग जीरो से काउंट कर रहे हैं, इसीलिए जीरो को भी हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ठीक है। तो जीरो से लेके नाइन डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो डिजिट्स होगा वो जीरो से लेके नाइन तक होगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ, इन कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, यस, यहाँ पे कितना डिजिट होगा, 10 डिजिट, ओके, 0 टू 9, विद द बेस 10, यहाँ पे जो बेस है, बेस मतलब उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 होगा। 10 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना है, 10 है, तो उसका बेस कितना होगा, 10 ही होगा, ओके।
Each number can be used individually or they can be grouped to form a numeric value. हाँ, ये number single मतलब अगर देख suppose ये 1, 2 ये क्या है, ये अकेला ही एक number है, yes or no? अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ 1, 2 ये क्या हो गया, ये भी एक number हो गया, मतलब they can be grouped to form a मतलब sorry each number can be used individually or they can be grouped to form a number. मतलब वो individually भी एक number है, वो individually भी एक number है और वो group में भी एक number है. समझ में आया कि नहीं? ऐसे 82, minus 256, 52.87 कोई भी number, ठीक है? English में जो हम लोग का number system है, कोई भी English में जितना सारा number system है उसको हम लोग decimal number system ही बोलते हैं. जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं नंबर्स उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना. द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग. ये जो नंबर है ये नंबर कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, जो एवरी डिजिट है, जैसे 8 यहाँ पे जो एक नंबर है, कोई भी एक नंबर जैसे 256 ये भी एक डेसिमल नंबर है. तो यहाँ पे 256 जो नंबर है, ये 256 का भी यहाँ पे क्या है, एवरी डिजिट, ये 2 एक डिजिट है, उसके बाद ये 5 एक डिजिट है, उसके बाद 6 ये भी एक डिजिट है. तो ये जो एवरी डिजिट है ये कुछ रिप्रेजेंट करेगा. क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, फेस वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू के बाद मतलब डिस्कस करेंगे. ये फेस वैल्यू है क्या, याद रखना. नेक्स्ट क्या है, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, ये जो नंबर है उसका बेस क्या है, ठीक है. उसके बाद द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, ये जितना सारा डिजिट है उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन याद रखना. हर एक नंबर का जितना सारा नंबर है उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उसका कुछ मतलब उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका बेस क्या है, उसका पोजीशन क्या है, डिजिट का पोजीशन क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल सपोज कोई भी एक हम लोग डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई 547 कोई भी एक डेसिमल नंबर. तो मैंने यहाँ पे 256 लिया था, तो यहाँ पे क्या लिया है, 547, ओके. तो द नंबर 547 कैन बी अंडरस्टूड इन द पावर ऑफ इट्स बेस. कैसे हम लोग देखेंगे, तो ये 547 है, यहाँ पे देखना एग्जाम्पल, यहाँ पे जो 7 है, ये 7 है वो क्या हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है, ठीक है. उसका जो ये जो 7 है, 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है. यहाँ पे 547 का 7 एक फेस वैल्यू है, उसके बाद 4 भी एक फेस वैल्यू है, उसके बाद 5 भी, 3 फेस वैल्यू है, 7, 4, 5, ओके. उसके बाद बेस कितना है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होगा, 10 होगा, यस और नो. हमेशा याद रखना डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10 होता है, 10, ओके. तो उसके बाद क्या होगा, पोजिशनल वैल्यू, यहाँ पे देखो 7 का पोजिशन कितना है, वो 0 में है, ठीक है. हम लोग ने जैसे नंबर सिस्टम में काउंट किया, ये हम लोग उसको हम लोग 0 पकड़ेंगे, उसके बाद इसको हम लोग 1 पकड़ेंगे, इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे. समझ में आएगी नहीं, मतलब 0 मतलब ये 1 यूनिट, उसके बाद ये 1 मतलब 10 यूनिट्स, मतलब ये 10 यूनिट्स, उसके बाद ये क्या है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है. समझ में आएगी नहीं, जैसे 10^0 कितना होता है, 7, ये जो 7 का जो पोजीशन है वो क्या है, एकदम 0 पोजीशन में है. ये कौन सा पोजीशन में है, 1 मतलब 10th पोजीशन में है. उसके बाद ये कितना पोजीशन में है, मतलब 100 पोजीशन में है, मतलब ये 10^0 होगा, उसके बाद ये 10^1 होगा, उसके बाद ये क्या होगा, 10^2 होगा. 10^0 का मतलब क्या है, 1 होता है. 10^1 का मतलब क्या है, 10 होता है. और 10^2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है. समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं. 10^0 का मतलब होता है 1, उसके बाद 10^1 का मतलब होता है 10, उसके बाद 10^2 का मतलब होता है 100. समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं. तो यहाँ पे 7 का जो पोजीशन है वो क्या है, 0 पोजीशन. 4 का पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन, मतलब 1. उसके बाद 5 का जो पोजीशन है वो क्या है, 2 मतलब 10, सॉरी 100, ओके. तो 7 into 10^0, उसके बाद
फोर इंटू टेन टू पावर वन, उसके बाद फाइव इंटू टेन टू पावर टू, तो क्या होगा? टेन टू पावर जीरो मतलब क्या होगा? टेन टू पावर जीरो जीरो वन होगा, सेवन इंटू वन क्या होगा? सेवन, उसके बाद फोर इंटू टेन टू पावर वन मतलब फोर इंटू टेन क्या होगा? फोर इंटू टेन कितना होगा? फोर्टी, उसके बाद फाइव इंटू टेन टू पावर टू मतलब क्या होगा? फाइव इंटू हंड्रेड कितना होगा? हंड्रेड, फाइव हंड्रेड, तो टोटल करेंगे कितना होगा हम लोग का? 547, समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज द बेसिक नंबर सिस्टम। ये डेसिमल में हम लोग जो नंबर्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना? दिस इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन। अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया ऑलरेडी, जो ऑब्जर्वेशन है like the positional value of its digit increases tenfold as we move from right to left। हाँ, जब भी कोई एक नंबर को, कोई भी एक डिजिट को, सॉरी कोई भी एक डिजिट को अगर हम लोग राइट या तो लेफ्ट में अगर उसको मूव करेंगे तो उसका जो पोजिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। सपोज मैं यहाँ पे सेवन को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या होगा? सेवन का पोजिशनल अगर मैं सेवन को रिप्लेस करूंगा, मतलब यहाँ पे फाइव सेवन फोर में ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा? अभी सेवन को मैंने क्या कर दिया? मैंने राइट लेफ्ट साइड में लेके आया, सॉरी लेफ्ट साइड में लेके आया, तो सेवन का पोजिशनल वैल्यू अभी क्या होगा? अभी टेन होगा, मतलब उसका जो सॉरी वन होगा, वन वन मतलब टेंथ। उसके बाद फोर का पोजिशनल वैल्यू कितना होगा? फोर का पोजिशनल वैल्यू कितना होगा? वो वन होगा, ठीक है ना? सॉरी जीरो होगा। उसके बाद फाइव का पोजिशनल वैल्यू कितना होगा? 100 होगा, समझ में आया कि नहीं? मतलब उसका कितना होगा? 2 होगा, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, समझ में आया कि नहीं? तो मतलब किसी डिजिट को अगर हम लोग राइट या लेफ्ट में अगर मूव करेंगे तो उसका पोजिशनल वैल्यू चेंज होगा, समझ में आया कि नहीं? मतलब 10, देखो यहाँ पे अगर मैं 547 ये था, उसके अगर मैं ये करूंगा 574, तो अभी क्या हुआ? पहले सेवन क्या, सेवन का यूनिट क्या था? वो मतलब जीरो जीरो था उसका, इसका वन था, इसका टू था, तो ये मतलब वन पोजीशन में था। तो अभी ये क्या हुआ? मैंने इसको यहाँ पे लेके आया, मतलब ये सेवन यहाँ पे आया, तो क्या हुआ? ये टेंथ हो गया, यस और नो? उसके बाद सपोज और मैं क्या करूँगा, सेवन फाइव फोर, और सेवन को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या होगा? सेवन का और एक पोजिशनल वैल्यू बढ़ गया, मतलब अभी सेवन का कितना हुआ? हंड्रेड हो गया, मतलब टू हो गया, समझ में आया कि नहीं? तो राइट या तो लेफ्ट में उसको अगर पोजिशनल वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा? टेन से इंक्रीज होगा, समझ में आई? टेन से इंक्रीज होगा या तो टेन से डिक्रीज होगा। जैसे फाइव का पोजिशनल वैल्यू क्या था पहले? यहाँ पे हंड्रेड था, अभी मैंने इसको राइट में लेके आया तो क्या हुआ? उसका डिक्रीज हो गया, यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पे फोर का क्या कितना था? यहाँ पे टेन था, मतलब टू था, उसका पोजिशनल वैल्यू टू था, ठीक है? तो मैं टेन से उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको राइट साइड में लेके आया तो क्या हुआ? फोर का पोजिशनल वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, मतलब उसका पोजिशनल वैल्यू क्या हुआ? वन हो, जीरो हो गया, मतलब पहले वो टेन था, अभी क्या हो गया? वन हो गया, समझ में? वन मतलब जीरो, मतलब जीरो मतलब वन हो गया, ठीक है? ठीक है, नहीं तो यहाँ पे यही बात को बोला गया है। इन द अबव मेंशन एग्जांपल 54 and 7 are the phase value. यहाँ पे already बोला 547 क्या है? Phase value of digits and their place values are hundreds, tens and units respectively. तो क्या है? 5 का कितना है? Hundreds. उसके बाद 4 का कितना है? Tens. And 7 का कितना है? 1. Okay. The phase value depends on the position of the digits in the number. ये जो phase value है, ये जो phase value है 547, ये किसके ऊपर depend करेगा? जो नंबर है उसका, सॉरी जो डिजिट्स है उसका पोजीशन के ऊपर, नंबर में जो डिजिट्स है उसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? ये 547, 7 का पोजीशन क्या है? 1, 4 का पोजीशन क्या है? सॉरी 7 का पोजीशन है 0, 4 का पोजीशन है 1 एंड 5 का पोजीशन है 2। अगर यूनिट्स में बोलेंगे 7 का 1 यूनिट्स, 4 का कितना है? 10, उसके बाद 5 का 100। ओके, यहाँ पे मैंने समझ लेना कि मैं जीरो, जो पोजिशनल वैल्यू है वो जीरो है, यहाँ पे मैं पोजिशनल वैल्यू के बारे में बोलूंगा, और जो यूनिट्स है उसको मैं टेंथ या तो हंड्रेड से बोलूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।